आप सभी ने भक्त और भगवान से जुड़ी अनेक कहानियां सुनी होंगी, पर जबलपुर के पनागर क्षेत्र में स्थित ये दक्षिणमुखी सिद्ध हनुमान मंदिर इन कहानियों का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। भक्तों की बजरंगबली के प्रति ऐसी दीवानगी होती है कि युवा वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला शक्ति सभी पहुंच जाते हैं मंगलवार को महाआरती के लिए हनुमान मंदिर में, और प्रत्येक मंगलवार 150 से 200 श्रद्धालुओं के बीच गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ हनुमान जी के दिन मंगलवार को उत्सव जैसा मनाया जाता है। स्थानीय निवासी और पंडित जी का कहना था कि युवा वर्ग यहाँ पर विशेष रूप से पहुँचता है और प्रत्येक मंगलवार शनिवार रामचरितमानस का पाठ करता है और गाजे बाजे के साथ प्रभु की महाआरती में सभी लीन हो जाते हैं। पंडित जी ने बताया कि पनागर स्थित ये मंदिर रानी दुर्गावती के काल यानी गोंडवाना काल का है और उनकी पिछली 4 पीढ़ियाँ इस मंदिर में सेवा दे चुकी हैं। वो 4थी पीढ़ी हैं जो इस मंदिर में निरंतर सेवारत हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा होते हमेशा देखते रहते हैं। हर मंगलवार शनिवार प्रभु का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है और ये हनुमान जी की मनमोहक प्रतिमा सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों को मंदिर में महाआरती के लिए प्रेरित करती है। कुल मिलाकर खास बात यह है कि रील के जमाने में भी आज के युवा धर्म की ओर मुड़ रहे हैं और इस प्रकार प्रभु की भक्ति कर रहे हैं जैसे पुरातन समय में की जाती थी। सच में इससे भारत के सभी युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। मंदिर तो पुरातन वर्षों का है और पिताजी लोग बताते हैं कि अपने 3 पीढ़ी से भगवान का पूजन याचन हो रहा है और इसमें निरंतर हमारे परिवार के विश्वास पांडे परिवार का पूजन अर्चन है। मंगलवार और शनिवार को तो भक्तों का मेला लगा हुआ रहता है, इसमें आप सभी श्रद्धालु भक्त हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं। यहाँ पीढ़ी पिताजी लोग बताते हैं 4थी पीढ़ी में हम पूजन कर रहे हैं। इसमें इसके पहले मोहनलाल हरगोविंद दास के स्टाफ के सहयोग से इस दरबार का निर्माण कराया गया था। उसके बाद पुनः हमारे बप्पा जी जिसे आजा जी थे, जिन्होंने भक्तिभाव से पूजन अर्चन को देखते हुए मोहनलाल हरगोविंद दास से बीड़ी कारखाना वाले जो थे श्रवण कुमार भाई जी, उनके परिवार के लोग, उन लोगों ने अपने स्टाफ के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करा के भक्तियों भंडारा किया जाता है। इसमें हनुमान मंदिर दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं और इनकी सेवा याचना में जो भी आता है अपनी हाजी लगाता है, उनकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण करते हैं भगवान।